आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत सिंह सबदाता, कैमरामैन राहुल शर्मा के साथ। नाम बताइए। मैं हाजी मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव IMC। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि बरेली में एम्स अस्पताल खोला जाए। गंभीर मरीज लखनऊ या दिल्ली 250 किलोमीटर जाते हैं, एम्बुलेंस के पैसे नहीं होते, वहाँ होटलों में ठहरते हैं, सारा पैसा तो उसी में खर्च हो जाता है। मरीज से ज़्यादा तीमारदार परेशान होते हैं। जिनके पास धन दौलत नहीं है वहाँ जाने की, वो मरीज यहीं मर जाते हैं। लिहाजा यहाँ जो है बरेली के अंदर जिला, पुरानी जिला जेल में या रबड़ फैक्ट्री में या दिल्ली बाईपास, बड़े बाईपास किनारे भूमि अधिग्रहण करके एम्स अस्पताल खोला जाए। और इसमें तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम पार्टियों से मांग की जाती है, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से मांग की जाती है, छात्र छात्राओं से मांग की जाती है कि इस मांग को उठाएं, आवाज़ बुलंद करें, ताकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बरेली के अंदर एम्स अस्पताल खोलें। जो सोए हुए जनप्रतिनिधि हैं, आज तक अपने मजे के लिए जनता का वोट लेते रहे, जनता की परेशानियों को इन लोगों ने कभी नहीं समझा। ये तो धनवान हैं, इनके असर हैं। इनका मरीज़ फौरन एम्स में भर्ती, दिल्ली में हो जाते हैं, लखनऊ में PGI में हो जाते हैं, लेकिन आम जनता, आम गरीब लोग लाइलाज की वजह से यहाँ ही बरेली में मर जाते हैं, उनके दम घुट जाते हैं। लिहाजा बरेली को एम्स अस्पताल की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसमें तमाम आमजन को और बुद्धिजीवी वर्ग को आह्वान किया जाता है कि वो इस मांग को उठाएं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, मीडिया इस चीज़ को बहुत अहमियत से समझे, जनता के दुख दर्द को, और इसको एम्स अस्पताल बनवाने के लिए सहयोग करें, आवाज़ उठाए, लगातार उठाती रहे, मांग करती है। धन्यवाद। प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार से मांग की जा रही है कि बरेली में एम्स अस्पताल खोला जाए। जनप्रतिनिधि आज तक उदास रहे, इन्होंने जनता की समस्या